एक बड़े लीडर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, रिकॉर्डिंग करके मुसलमानों को कत्ल करने का काम वो लोग कर रहे हैं। दूसरे नंबर के शहरी नहीं है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान के लिए हमने कुर्बानी दी है, दब के रहना ये हमारा मिजाज नहीं है, ये हमारी फितरत नहीं है, मगर मिल्लत के लिए तस्कीन होना है, मिल्लत के लिए हिम्मत होना है, मिल्लत के लिए हमारे गरीब कारोबारियों को मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनको पुलिस वाले मारने से पहले चार बार सोचना कि भाई इसको अगर मैं मारूंगा तो कोई पूछने वाला है ना। आगे बढ़ूं मैं, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. जैसे कि आपको इल्म है इस बात का कि हम मुसलसिल दो महीने से ज्यादा हो गए हैं गुलबर्गा शहर में जितनी ज्यादा लोगों से मुलाकात कर सकते कर रहे हैं, क्योंकि रमजान का ये मुबारक महीना दिन में मुलाकातें होना मुश्किल है, तो इसीलिए हर रोज मस्जिदों को जाकर के मुसलियान से मुलाकात करने का ये सिलसिला शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि 5 साल के अंदर क्या मामला शहर में हुए हैं, चाहे NRC से लेकर हमारी शरीयत से लेकर शरीयत के अंदर मुदाखलत के मामले भी हुए हैं, ट्रिपल तलाक का मामला हुआ है, अड़ंत का मामला आप देखते हैं, जहां पर हमारे दरगाहों में जाकर के पूजा करने की और लोगों को नौजवानों को गिरफ्तार करने की, खवातीन को गिरफ्तार करने का मामला भी आया है, हमारी बच्चियों के लिबास तक आ गए हैं, हमारी खाने तक आ गए हैं, काउस लॉटर एक्ट के तहत हमारी ईदों को जो है आसानी से नहीं करने दे रहे हैं, गरीब हमारे कारोबारियों को जुल्म ज्यादती हो रही है पुलिसों के जरिए, ये तमाम मामले हम आपके हमारे बीच में हैं। अब कुछ ही दिन पहले मुसलमानों को 4% तो रिजर्वेशन दिया करते थे, जनता दल सेकुलर जो देवेगौड़ा साहब ने दिया था उसको भी निकाला गया। आज कल ही देखिए कर्नाटका के अंदर एक बड़े लीडर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, इद्रीस और पाश भैंसों को लेके जा रहे हैं, गायों को लेके जा रहे हैं बोल के रिकॉर्डिंग कर मुसलमानों की कत्ल करने की जुर्रत कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही इल्तिजा करने के लिए आया हूँ कि इनकी जुर्रत बहुत ज़्यादा हो गई है। गुलबर्गा शहर के अंदर हमारे मरकजी मस्जिद जो है वहाँ पर आकर के कोई स्वामी अलल ऐलान ये कहता है कि हम आकर के यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, हम वहाँ पर माइक निकालेंगे, ये जरूरत हो गई है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके मुसलमानों को कत्ल करने का काम वो लोग कर रहे हैं। हमको हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की तरह रहें, इंशाल्लाह जब तक कयामत तक हम इंशाल्लाह भाइयों की तरह रहेंगे, उसमें कोई दोराय नहीं है, मगर दब के रहना ये हमारा मिजाज नहीं है, ये हमारी फितरत नहीं है, ये हमको मंजूर नहीं है। हम दूसरे नंबर के शहरी नहीं है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान के लिए हमने कुर्बानी दी है, हमारे आबा अजदाद ने हमारे उलमा इकराम ने अपने जानों की कुर्बानी देकर इस मिट्टी को सींचा है, इस मिट्टी को रंग दी है, ये वतन हमारा है, इस वतन में हम दोहरे शहरी की हैसियत से हम रहना पसंद नहीं करते। इस तमाम मामले अपनी जगह हैं और गुलिस्ता 5 साल से जो इक्तदार में है मोहतरमा, जिनको बीजेपी से सीट बचाने के नाम पर, अरे भाई सीट बचाना है बीजेपी जीत जाएगी, बल्कि सीट तो बच गई है, सीट तो बचा लिया है, मगर कभी 5 साल में कभी महसूस हुआ है कि ये सीट हमारी है? महसूस भी तो होना चाहिए, नाम के वास्ते सीट बची है, एक लफ्ज असेंबली के अंदर किसी मामले में, मोहतरमा बिचारी इतनी मासूम है, उनको कन्नड़ा भी नहीं आती, सियासी समझ नहीं है, एक 4 गुत्तेदारों की गुत्तेदारी के लिए उनको वहां पर रखा गया है, सियासी तौर पर उनके फायदे के लिए उनको रखा गया है। आज मिल्लत के सामने जो मामलात हैं, इन मामलात के लिए हमको एक होकर के मजबूती के साथ लड़ना है। मैं 2 इलेक्शन लड़ा हूँ, शिकस्त हुई है, मगर आप देख सकते हैं इन 5 सालों के अंदर हर मामले के अंदर एक मिली तड़प को लेकर के आगे बढ़ा हूँ। आपसे इजाज़त मांगने के लिए, आपसे राय लेने के लिए आया हूँ कि 2 बार हारने के बावजूद हिम्मत तो नहीं हारी है, अब इस इलेक्शन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग महसूस करते हैं कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, 2 बार हारने के बावजूद आगे बढ़ रहा हूँ, तो इस बार
सीट बचाने के नाम पर आप वोट नहीं करेंगे। सीट बचेगी इंशाल्लाह, दो राय नहीं है, सीट तो इंशाल्लाह जरूर 100% बचेगी। हमको इत्तेहाद का सबूत देना है, इत्तेहाद किसके लिए होना है ये भी तो सही फैसला करना है, करना है नहीं करना है। बीजेपी के खिलाफ मुसलसिल 5 साल लड़ने वालों के साथ देना है या बीजेपी के नाम से डराने वालों को साथ देना है? बीजेपी के खिलाफ जो 5 साल लड़ रहा है उसी का साथ देना है? ये हक है, ये इंसाफ है। 5 साल आपका भाई मैं लड़ रहा हूं, तो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के साथ खिलाफ लड़ने वाले का साथ देना है, ना कि इलेक्शन में आकर के बीजेपी के डराने वाले का। आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि पूरे पूरे हर गली मोहल्ले के अंदर हर तरफ आपके इस भाई को तायद करने के लिए आ रहे हैं लोग, और एक तरफ साजिशें भी चल रही हैं, चंद मतलब परस्त गुत्तेदार लोग अपनी गुत्तेदारी चलाने के लिए। अल्लाह के घर में बैठ के मैं बोल रहा हूं कि उन 4-5 गुत्तेदारों को अल्लाह दूसरी तरह की भी रोजी रोटी देगा, मगर मिल्लत के लिए तस्कीन होना है, मिल्लत के लिए हिम्मत होना है, मिल्लत के लिए हमारे गरीब कारोबारियों को मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनको पुलिस वाली मारने से पहले 4 बार सोचना कि भाई इसको अगर मैं मारूंगा तो कोई पूछने वाला है। हमारे ऑटो वाले को कोई अगर मारेगा तो उसको पूछना कि उसको डर होना चाहिए पुलिस वालों को कि हाँ इसको अगर मैं मारता हूं तो कोई इनके लीडर है जो मुझे सवाल पूछेगा। तो ये निज़ाम को कायम करना है। भाइयों आप लोग मुझे दुआओं के साथ रमजान के इस मुबारक महीने में मैं आपके बीच में आया हूं, मैं आपसे एक वायदा चाहता हूं, ज्यादा नहीं चाहता, 5 साल आपके लिए हर मामले में लड़ा हूं, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाके लड़ा हूं, 144 को तोड़ के लड़ा हूं, कॉरपोरेशन कमिश्नर के लिए, ठेला बंडी वालों के लिए लड़ा हूं, अपने आप को हमेशा आगे किया हूं। आपसे एक बार इस इलेक्शन में आपकी तायद चाहता हूं। मेरे वालिद 30-40 साल जो भी मिली मामले थे वो भी आगे बढ़ करके लड़े हैं, कोशिश की है, मैं भी कोशिश किया हूं। 40 साल एक ही घर को आपने मौका दिया है, इस बार आपके इस भाई को मौका देंगे तो मैं जब तक जिंदा हूं आपके लिए लड़ता रहूं। क्या करना, आगे बढ़ूं मैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।